आज हैं 8 तारीख। जैसा आपको पता है कि अब हमारा डे 12 चल रहा है और पॉलिटी, ज्योग्राफी और सी सेट जो है हम अभी तक कर रहे हैं, और 3 दिन हमारे पॉलिटी, ज्योग्राफी और सी सेट को करते हुए हो गए हैं। इसके अलावा अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है, हमने कवर कर लिया है एंशेंट हिस्ट्री, इकोनॉमी हमने पढ़ लिया है और आर्ट एंड कल्चर हमने पूरा पूरा पढ़ लिया है। और आज इस वीक के हमारे टारगेट्स क्या हैं, पूरी एम लक्ष्मीकांत ख़त्म करना और ज्योग्राफी को पूरा कम्प्लीट करना। तो अब देखिए, प्रीलिम्स का अगर ट्रेंड एनालिसिस करें तो ज्योग्राफी और पॉलिटी स्पेसिफिकली कितने देते हैं, लगभग 9 से लेके 12 क्वेश्चन, तो 12 क्वेश्चन मान के चलिए। और पॉलिटी की जब हम बात करें तो लेके 15 से लेके 18 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए, ये कवर अप करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग अभी तक देखिए, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, आरंभ सीरीज प्लस टेस्ट वगैरह, डेली रिवीजन, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। हम अभी फेज़ 2 में चल रहे हैं जिसमें हम इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी को कवर अप कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ हम पूरा हमारा आगे का टाइम टेबल है, आप देख लें। जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और पूरा इस तरीके से हम पूरा कवर अप करने वाले हैं। तो आज से भी जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी आगे पूरा स्कोप रहेगा कि पूरा पूरा 2 बार अपना सिलेबस रिवाइज़ कर लें। जिनको ये पता नहीं है शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 क्या हैं, देखिए आप क्या कीजिए, 8 से 9:30 बजे की एक शिफ्ट, फिर 2.5 घंटे की एक शिफ्ट 10 से लेकर 1:30 बजे तक, फिर रखिए 2 से लेकर 6 बजे तक तीसरी शिफ्ट, फिर आप रखिए 7 से 9 बजे तक की तीसरी शिफ्ट, और फिर आप रखिए एक शिफ्ट और 9:30 से 11:30। ये जो होगी आपकी स्पेसिफिक रिवीजन के लिए होगी। अब जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइम टेबल है, इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल पे ले लें। जो रात को पढ़ते हैं उनके लिए भी पूरा पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ है, और स्पेसिफिकली अगर आप इसी को भी फॉलो कर लें, बट क्योंकि परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग होती हैं, तो आप इस टाइम टेबल को रीशेड्यूल कर सकते हैं अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी हम लोगों ने ये टाइम टेबल बनाया हुआ है। अब देखिए, शिफ्ट 1 में आपको क्या करना है, अभी तक की जितनी भी चीज़ें हैं वो रिवाइज़ कर लीजिए और उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अब शिफ्ट 2 की जब हम बात करें तो यूनियन और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इशूज़ क्या हैं फेडरल स्ट्रक्चर में, ये सब चीज़ें। अब शिफ्ट 2 की जब हम बात करते हैं उसी में आगे 13 और 14 टॉपिक यानी कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, ये भी आपको कवर अप करने हैं। तो क्या क्या आज आपको पढ़ना है पॉलिटी के अंदर, पॉलिटी के अंदर आपको पढ़ना है फंक्शन क्या है यूनियन और उसके, स्टेट लेजिस्लेटिव के जैसे रेगुलेटिंग फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट के फंक्शन क्या है, सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है, इसके अलावा इशूज़ क्या क्या हैं फेडरल स्ट्रक्चर के, ये सब चीज़ें। अब देखिए, प्रेसिडेंट में इंपॉर्टेंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये सब चीज़ें आपको कवर अप करनी है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिस और उसके फंक्शंस, बाकी चीज़ें जो हैं वो आपकी सिमिलर रहेंगी। तो अब शिफ्ट 3 पे आ जाते हैं जिसमें हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में आज हम कवर करेंगे विंड, उसके अलावा वो कवर करेंगे रनिंग वाटर, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हम लोग करेंगे, इरोजनल लैंडफॉर्म हम लोग करेंगे, मतलब विंड के इरोजन, सेफ्रूवियल लैंडफॉर्म क्या होते हैं, एरोवियल लैंडफॉर्म क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमें कवर अप करनी है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में आपको पूरे पूरे करना है, एलुवियल फैन, डेल्टा, फ्लड प्लेन, मीएंडर, स्लिप ऑफ बैंक, अंडर कट बैंक, ऑक्सबो लेक, ग्रेडेड चैनल, ग्राउंड वाटर कास्ट टोपोग्राफी, परमिएबल रॉक, परकोलेशन, बेडिंग प्लेन्स, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। बालकन्स, लाइमस्टोन, डोलोमाइट रीजन, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ओरिजिनल लैंडफॉर्म क्या क्या हैं वो आपको पढ़ने हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आपको आज पढ़ने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको आज पढ़ना क्या क्या है। तो आप क्या कीजिए, NCERT उठाइए, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको सिलेबस भी टाइम साइड बाई साइड याद होना चाहिए। उसके बाद आप इसको NCERT पे इम्प्लीमेंट कीजिए कि आज मेरे को इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब ये 5-7 टॉपिक मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं। जो बच्चे इस साल कर रहे हैं, अगले साल कर रहे हैं, सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जितनी जल्दी आप लोग सिलेबस कवर अप कर लें उतना आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो देखिए, शिफ्ट 4 में आपको क्या करना है, सी सेट करना है, जिसमें रैंकिंग और वेन डायग्राम फिर से आप लोग कर सकते हैं। ये हमने 2 बार रैंकिंग और वेन डायग्राम इसलिए दिया है ताकि आपका रिवीजन हो जाए स्पेसिफिकली। अब देखिए, करंट अफेयर्स की आरंभ सीरीज़ और समीक्षा सीरीज़ भी आपको करनी है इसी बीच में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो लोग हमारे प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। इसके अलावा और भी कोर्सेज चल रहे हैं, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की आरंभ सीरीज़ तो कंटिन्यूसली आ ही रही है। और जो लोग इसकी PDF चाहते हैं वो हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मदद हो भी रही है या नहीं, कि वीडियो जो है बिना वजह की आपकी जो है टाइम कंज्यूम कर रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।